तो गाइस ड्रैगन को रिस्पॉन करने के लिए हमको सबसे पहले चार एंड क्रिस्टल चारों तरफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने लगाए उनको सेम एग्जैक्टली ऐसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं क्या मस्त एनिमेशन आ रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। गाइस कहीं ये हमारी गलती तो नहीं कि हम लोग ड्रैगन को दोबारा से रिस्पॉन कर रहे हैं? बात तो सही है। ओ भाई क्या मस्त सीन लग रहा है, क्या गजब का एनिमेशन आ रहा है। तो गोल रीच द एंड अगेन। तो गाइस हम लोगों ने ड्रैगन को दोबारा से रिस्पॉन कर लिया है। और जो अगर आपको एनिमेशन अच्छा लगा तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चलिए चलते हैं अपन ड्रैगन को दोबारा मारेंगे। पिछली बार भी हमने मारा था और इस बार हम लोग उसे दोबारा मारने वाले हैं। मैं देखना, मेरे को एक्सपी चाहिए और मैं एक्सपी के लिए दोबारा से मैंने एंटर ड्रैगन को रिस्पॉन किया। और ये ऊपर जितने भी ये इससे ड्रैगन को पावर मिलती है इसको, ये हमको सबसे पहले खत्म करने पड़ेंगे। तो हमने इसको तो खत्म कर दिया और देखते हैं। ओ भाई अभी ये तो यहीं आ गया, बिल्कुल मेरे पास नीचे ही आ गया। भाई बच गए हम लोग, बहुत ढंग से बच गए। अब यहाँ पे तो हम पहुंच नहीं पा रहे थे, तो इसको नीचे करना पड़ेगा और यहाँ से हमको डैमेज नहीं पड़ेगा। तो ये जितने भी इससे एनर्जी मिल रही है ये सारे खत्म करने पड़ेंगे हमको। तो ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है, वहीं जाके करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे एंटर पर्ल को यहाँ पर फेंकेंगे और आ जाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एंटर पर्ल काफी वैल्यूएबल चीज है गेम के अंदर। इससे आप जहाँ फेंकेंगे वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्लच में आ जाता है, ये वाटर क्लच। वाटर क्लच होता है, ये भी काफी अच्छा रहता है। वाटर बकेट हमेशा अपने साथ रहना चाहिए क्योंकि अगर आप बाई चांस कभी ऊपर से गिरते हैं तो वाटर बकेट आपको बचा लेगा। यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है, आप देखिएगा। तो गाइस अभी शायद सिर्फ, अरे ये मेरे पीछे को पड़ गई यार, ये भी गया। अरे इसको अभी प्रोटेक्शन है, चढ़ जाऊंगा क्या? नहीं, अरे यार ऊपर की तरफ नहीं गया, वो नीचे ही आ गया, थोड़ा सा नीचे गल गया। तो ऐसे चढ़ जाएंगे हम, क्या दिक्कत है हमें? छोड़ के बस यहीं से हम लोग टायर फोड़ देंगे। वैसे भी ये पहले से कवर थी, ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा। टैगेन अब तू मरने वाला है। अब शायद इसके पास कोई पावर का सोर्स बचा नहीं है, हील नहीं कर पा रहा है। तो गाइस अब हम इसे मार सकते हैं, चाहे तो आप बो से भी मार सकते हैं। और जब वो नीचे आए, ओ भाई एकदम पास से निकला ये, तो बच गए। ओ अरे यार ऊपर की तरफ ही गिर गया, मैं नीचे आ ही पाया। ये एक मेरे को पीछे पड़ रहा है, मैं तो इनको और आदत चला रहा हूँ, ड्रैगन इनको मारता और मेरे पीछे पड़ रहे हैं। अब ये इंटरमैन, इससे बचने के लिए तो पानी है, पानी से ही बचना पड़ेगा। अब आओ अंदर, अब नहीं आएंगे यहाँ पे। बच गया मैं भाई, पिछली बार तो मेरी एचपी बिल्कुल एक ही बची थी, मेरे को लगा था मैं गया पर आया वापस। ये गए बस, अब तुम सब मुक्त हो, मुक्त हो क्या? मैंने ही मुक्ति कर। आजा आजा, कब तक ऊपर रहेगा? अगले दिन क्या आएगा? गया एक, इस बार मैं नहीं लेकिन अगली बार मैं इसे मार दूंगा मैं, क्योंकि इस बार में तो ये उड़ जाएगा, ज्यादा डैमेज पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हमने आधी एचपी तो उसकी खत्म कर ही दी है। ओ ड्रैगन ब्रेथ, आजा आजा, कब तक रहेगा? बस ये वाला राउंड शायद इस बार मैं इसको मार दूंगा मैं। यहाँ पे रहता हूँ तो ये मुझे उड़ा नहीं पा रहा, सही चीज है ये, सही लोकेशन है वैसे। गया, ओ पड़ क्यों नहीं रही? अरे भाई कितना शोर कर रहा है ड्रैगन भाई। गया गया गया, बस दो हिट और, अरे इतने में ही उड़ गया यार। चलो कोई बात नहीं, आधा काम हम बो से कर देंगे। अरे आजा आजा, कहाँ भग गया भाई? आजा आजा, थोड़े और पास आजा, यहाँ पे आजा, सेंटर में आजा भाई। एक ही बो घल जाएगी तो खत्म हो जाएगा ये, फिर तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही आ गया। अब गया ये, अब खत्म है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को दोबारा मार दिया है। अब हम लोग लेंगे एक्सपी, देखो एक्सपी की वजह से मैंने इसे दोबारा से रिस्पॉन्ड किया था। अब हमारी हो जाएगी 50 से क्रॉस एक्सपी। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली एंडर ड्रैगन को दूसरी बार खत्म कर दिया है। और इस बार मेरे को ये क्या हो रहा है, एक्सपी कहाँ चली गई यार? अबे सिर्फ 5 एक्सपी मिली है मुझे, बे यार मुझे लगा था। तो गाइस अगर आप सेकंड टाइम पर एंडर ड्रैगन को मारोगे तो आपको एक्सपी
बिल्कुल भी ना के बराबर मिलने वाली है, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मुझे लगा था एक्सपी मिलेगी, तब मैंने इसको दोबारा रिस्पॉन कर दिया। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।